टॉप 5 बेस्ट 5G स्मार्टफोन अंडर 10,000 रुपीस इन 2024। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 10,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन को बताएंगे, जिसमें इस बजट के अकॉर्डिंग सभी फीचर्स काफी बढ़िया मिलेगा एंड ये सभी फोन इस बजट का एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। वैसे इस बजट में अभी के टाइम पे बहुत कम ही 5G फोन है, 5G फोन छोड़िए अभी के टाइम पे इस बजट में ज्यादा फोन भी लॉन्च नहीं होता है। तो अगर आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन चाहिए तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। तो लिस्ट के पांचवें नंबर पे आता है लावा की तरफ से लावा ब्लेज 2 5G। गाइस, अगर आपको 10,000 के आसपास में एक अच्छा बढ़िया 5G फोन चाहिए तो ये फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाले एक अच्छा बढ़िया फोन चाहिए इस बजट में, तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिस्प्ले से ही। तो गाइस, इसमें 6.56 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी 10,000 के बजट के हिसाब से बढ़िया है। बट ध्यान रहे कि ये डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले नहीं है, HD डिस्प्ले है, ठीक है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा यूजलेस कैमरा समझ सकते हैं, और सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। पीछे का कैमरा से 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेटर मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा एवरेज टाइप का है। तो कैमरा भी इस बजट के अकॉर्डिंग ठीक ही है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो गाइस, इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 7nm पर बना हुआ। और आपको बता दें कि लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। अगर 10-12 हजार वाले फोन में अगर ये प्रोसेसर मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है, प्रोसेसर बढ़िया मिलेगा। आप हल्का फुल्का गेमिंग भी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। करेंगे बैटरी का, तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। हल्का फुल्का टाइम तो लेगा चार्जिंग में, बट हाँ, एक बार चार्ज होने के बाद आपको अच्छा खासा बैकअप भी दे देगा। और 18W का चार्जर अगर 10-12 हजार के फोन में मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है, ठीक ही है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 6GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। आप चाहे तो एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड को इसमें लगा सकते हैं। बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। तो बैक साइड ग्लास का बना हुआ है, डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा लगता है। 8.5mm का थिकनेस है एंड 203g इस फोन का वेट है। वेट और थिकनेस एवरेज टाइप का है, ग्लास होने के बावजूद भी एवरेज टाइप का है, तो ये चीज ठीक है। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। बाकी बात 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट तो मिलेगा ही एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप्स रेट्स वगैरह नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। तो चलिए आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो गाइस, ये फोन दो वेरिएंट में आता है। 4/64 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 9,999 रुपया देना होगा एंड 6/28 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 11,000 रुपया देना होगा। तो 10-11 हजार के बजट के हिसाब से एक अच्छा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में अब आता है इन्फिनिक्स की तरफ से इन्फिनिक्स हॉट 35G। दोस्तों, आपको बता दें कि इस फोन का प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है। आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले वगैरह से ही। तो गाइस, इसमें 6.78 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। स्मूथनेस की बात करेंगे तो इसमें 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 580 निट्स का ब्राइटनेस भी है, ब्राइटनेस ठीक ही है, इससे काम चल सकता है। तो हाँ, डिस्प्ले इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड दो कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा AI लेंस है, और सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.6 का अपर्चर है और आप पीछे का कैमरा से 2K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। खास करके प्राइमरी कैमरा इस फोन का बेटर मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा भी ठीक है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का।
होगा तो गाइस इसमें वही प्रोसेसर मिलेगा जो पिछले वाले फोन में प्रोसेसर था। इसमें भी मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और 3 लाख प्लस अंतुतु स्कोर भी है, तो प्रोसेसर को खराब नहीं कह सकते हैं, इस बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का बैटरी का, तो गाइस इसमें 6000mAh का एक बड़ा सा बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18 वाट का चार्जर को। 6000mAh का बैटरी मिल रहा है तो आपको अच्छा खासा बैकअप दे देगा, बट हाँ हल्का फुल्का टाइम लेगा चार्जिंग में ही। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 1TB तक का मेमोरी को लगाकर स्टोरेज को बढ़ा भी सकते हैं। और बाकी बात बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के ही साथ आता है, प्लास्टिक का बैक प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है, 215 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 9.19mm का थिकनेस है। इसमें 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट भी दिया गया है जिससे आप डबल सिमेटिक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। डुअल स्पीकर्स मिलेगा। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन XOS 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड, और हाँ इसमें IP53 का रेटिंग मिल जाएगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो गाइस इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस मैंने अभी जस्ट चेक किया है तो उसका प्राइस 12,000 रुपया है। तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि इस फोन का प्राइस बराबर ऊपर नीचे होता ही रहता है, नॉर्मली इस फोन का प्राइस 11,000-12,000 रुपया रहता है। तो अगर आपको इस बजट में एक अच्छा बढ़िया 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का, तो अपने लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है Redmi की तरफ से Redmi 13C 5G। ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको 10-11 हजार के बजट में मिल जाएगा एंड इस बजट में यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं एकदम डिटेल से। स्टार्ट करते हैं इस फोन का बिल्ड क्वालिटी से ही, ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। 192 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.1mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस को ज्यादा नहीं कह सकते हैं, ये चीज एवरेज टाइप का है और डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में काफी खूबसूरत सा भी लगता है, तो बिल्ड क्वालिटी डिजाइन वगैरह इस फोन का ठीक मिलेगा। इसमें 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा, हाइब्रिड स्लॉट भी दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा एंड साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी मिल जाएगा। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 13 पर बेस्ड है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.74 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 600 nits का पीक ब्राइटनेस है, तो 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल रहा है तो ये चीज ठीक ही है एंड ब्राइटनेस भी सही है, इससे काम चल सकता है, तो डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 0.08 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 5 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो प्राइमरी कैमरा इस फोन का भी बढ़िया मिलेगा बट सेल्फी कैमरा वो एवरेज टाइप का है, खराब नहीं कह सकते हैं, वो चीज भी ठीक है। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो गाइस इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 6100 प्लस वाला प्रोसेसर मिलेगा जो कि 5G प्रोसेसर है एंड 6nm पर बना हुआ है और 3,75,000 प्लस अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट इस बजट के अकॉर्डिंग प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। इस बजट के फोन में ज्यादा वाट का चार्जर को एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है, 18W का चार्जर मिल रहा है तो ये चीज खराब नहीं है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का, तो इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 10,999 रुपया है Amazon पर और 10-11 हजार के बजट में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का, तो लिस्ट के 2nd नंबर पे आता है मोटो की तरफ से Motorola G34 5G। दोस्तों अगर आपको 10-11 हजार के बजट में एक अच्छा बढ़िया पावरफुल 5G फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ भी देख सकते हैं और इस फोन को लॉन्च होने से ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है, तो इस बजट का काफी तगड़ा स्मार्टफोन है ये। क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, चलिए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही, तो बैक साइड इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 180 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8mm का थिकनेस है। काफी लाइट वेट सा फोन है और डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। बाकी बात 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा एंड स्टूडियो स्पीकर्स भी दिया गया है। भाई इस बजट के फोन में स्टूडियो स्पीकर्स मिल रहा है तो ये चीज काफी बढ़िया है। हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा, सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिसके कारण इस फोन में एक भी फालतू का एप्स रेड्स वगैरह नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 13 पर। इसमें
वन ईयर का मेजर अपडेट मिलेगा एंड 3 ईयर तक का सिक्योरिटी पेच अपडेट मिलेगा। और हाँ, इसमें IP52 का रेटिंग भी है। अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.5 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा। इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 500 nits का ब्राइटनेस दिया गया है। किसी भी फोन में अगर मिनिमम 500 nits का ब्राइटनेस है तो काफी बढ़िया है ये, तो डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा। बट ध्यान रहे कि ये डिस्प्ले फुल HD डिस्प्ले नहीं है, HD डिस्प्ले है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 16 मेगापिक्सल का है। गाइस, प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। तो कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं, इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा बढ़िया मिलेगा। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 वाला एक अच्छा बढ़िया पावरफुल 5G प्रोसेसर मिलेगा जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बना हुआ है और लगभग 4,20,000 के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। नो डाउट प्रोसेसर काफी तगड़ा लेवल का मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। और बात की जाए बैटरी का तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। चार्जर भी ठीक है। अब बात करते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, तो गाइस इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। अब तो गाइस इस फोन का बेस वेरिएंट का प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 11,000 रुपया है, बट अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर लगाकर खरीदेंगे तो ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको 10,000 रुपया में मिल जाएगा, या फिर अगर आप इस फोन को सेल वगैरह में लेंगे तो ये फोन आपको 10,000 के अंडर में ही मिल जाएगा। तो इस बजट में आने वाला ये भी एक अच्छा बढ़िया 5G फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। तो लिस्ट में आखिरी एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है पोको की तरफ से, पोको M6 Pro 5G। दोस्तों, अगर आपको 10,000 रुपया में एक अच्छा ऑलराउंडर 5G स्मार्टफोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, चलिए देखते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो इस फोन का बैक साइड ग्लास का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 99 ग्राम वेट के साथ आता है एंड 8.17mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस को एवरेज सा कह सकते हैं और खास करके डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में बढ़िया लगता है। ग्लास बैक के साथ आ रहा है तो और अच्छी बात है। ये बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह इस फोन का बढ़िया मिलेगा। बाकी बात हाइब्रिड स्लॉट मिलेगा जिससे आप 2 सिम या फिर 1 सिम एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा पाएंगे। 3.5mm वाला जैक मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। ये फोन MIUI 14 के साथ आता है जो की Android 13 पर बेस्ड है। इसमें LPDDR4X का रैम एंड UFS 2.2 का स्टोरेज टाइप मिल जाएगा। डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.79 इंच का फुल HD+ IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। स्मूथनेस की बात करेंगे तो इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। 500 nits का ब्राइटनेस है एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। नो डाउट डिस्प्ले काफी बढ़िया मिलेगा एंड स्मूथनेस ब्राइटनेस वगैरह भी काफी बढ़िया है। अब कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है और सेल्फी कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर। कैमरा को खराब नहीं कह सकते हैं, 10-11 हजार के बजट के हिसाब से कैमरा इस फोन का काफी लाजवाब का मिलेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड लगभग 4 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर भी है। अगर आपको इस बजट में एक अच्छा गेमिंग फोन भी चाहिए तो इस चीज के लिए भी ये फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बात करें बैटरी का तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का फास्ट चार्जर को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 4GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप इसमें 1TB तक का मेमोरी को लगा भी सकते हैं। गाइस, ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 9,999 रुपया है। 10,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा तगड़ा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। इस वीडियो में मैंने 10,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट 5G स्मार्टफोन को बता दिया है। अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।